जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी बच्चों के लिए जो कि बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 में शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। अभी अपडेट ये है दोस्तों कि आपके एग्जाम फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। आप अपना फोटो अपलोड करके आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कल तक थोड़ी साइट में प्रॉब्लम भी थी, मगर अभी बहुत ही आसानी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जा रहा है, जहां पे ये बताया गया है कि आपका सेंटर किस जिले में है, किस शहर में। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूसरे शहरों से, दूसरे जिलों से, दूसरे राज्यों से पेपर देने जा रहे हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, खासतौर पे हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी जा रहे हैं। तो आप सभी को दोस्तों मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ, आई रियली प्रे, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी ये एग्जाम्स अच्छे से हो, आप अच्छे से दें और आप इसमें सिलेक्टेड हो। पहली बात तो यह है कि आप सिलेक्टेड हो, दूसरी बात सिलेक्टेड ना हो तो कम से कम आपको अनुभव तो होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा। इसलिए इस एग्जाम्स का फॉर्म अगर आपने भरा है तो आप मिस मत कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स को थोड़ा कन्विंस कीजिएगा। क्योंकि देखो, हमारा मेन टारगेट हो सकता है कि यूपी में जब भी शिक्षक भर्ती आएगी हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, नो डाउट, मगर एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी बहुत अच्छे लेवल का पैटर्न, पेपर पैटर्न सेट करती है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस लेके आती है, तो एक अनुभव भी बहुत काम आएगा अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए भी, अपनी तैयारी को जानने के लिए भी। तो बिल्कुल आप इसको मिस मत करिएगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो जाइएगा जरूर, सावधानियों के साथ जाइएगा, क्योंकि ट्रेन में थोड़ी सी ट्रैफिक हो सकती है, भीड़ हो सकती है। अपने सुविधा अनुसार अगर संभव है तो एक दिन पहले निकल जाइए। और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका वहाँ पे कोई संबंधी है, कोई रिलेटिव है, तो वहाँ से बात करके आप वहाँ पे जरूर स्टे करिएगा। लेकिन लेकिन कोशिश करिएगा कि ये एग्ज़ाम आप मिस ना करें, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती बहुत, इसकी जो जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मतलब प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। बहुत जल्दी से रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, बहुत जल्द से नियुक्ति पत्र देते हैं, तो काफ़ी ये एक्टिव रहते हैं यहाँ पे टीचर अपॉइंटमेंट में। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा होगा अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो मेरी बस इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, अब मेरी थोड़ी सी चोट सही हो रही है और अब मैं आपको रेगुलर यहाँ पे मिलूंगा आपसे बात करते हुए, आपसे टीचिंग और बीएड और डीएलएड से संबंधित जानकारियाँ शेयर करते हुए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, नहीं भी चली होगी डजंट मैटर, छः दिन का समय है आपके पास, आराम से जो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी आपको पढ़ना है, जो आपका कोर सब्जेक्ट पढ़ना है, एक बार सारे फॉर्मूलेज और सारे जो भी मेन कॉन्सेप्ट उसको देखते रहिए, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अटैम्प्ट आप जरूर करिएगा, ठीक है। सो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा, आपसे विदा लूँगा। कमेंट में बता दीजिएगा कि किसका सेंटर कहाँ गया है, राइट, कब एग्जाम है और आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जा तो जरूर रहे हैं, राइट, जा जरूर रहे हैं। खासतौर पे लड़कियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो किसी के साथ भैया, या फिर अगर एक जगह सेंटर कई लोगों का है तो ग्रुप बना के आप जा सकते हैं, मगर कोशिश करिएगा क्योंकि आपके अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं ऐसे फोर्स भी नहीं कर सकता, मगर मेरी ख्वाहिश है कि आप कोशिश जरूर करिएगा कि आप बीपीएससी टीआरई 2.0 के इस एग्जाम्स को आप जरूर दें, अगर आपने फॉर्म भरा है तो। अनुभव तो जरूर होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शिक्षक शिक्षिका बन के आइए, ठीक है, अपने सपने पूरे करिए। जय हिंद, जय भारत।